हाय दोस्तों, WWE रॉ 9 अगस्त 2021 में बॉबी लेसली गोल्डबर्ग को एड्रेस करेंगे। अब देखना यह है कि बॉबी लेसली और गोल्डबर्ग के बीच में और क्या क्या होता है, और बॉबी लेसली गोल्डबर्ग के बारे में क्या बोलते हैं, और क्या गोल्डबर्ग बॉबी लेसली को जवाब देने के लिए आज के रॉ में रिटर्न आएंगे या नहीं। आज के रॉ में द वाइपर रैंडी ऑर्टन भी वापस आने वाले हैं, तो ये देखना है कि वो वापस आके क्या करते हैं। तो दोस्तों, रॉ में और क्या क्या होगा ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं शुरू। WWE रॉ की शुरुआत हुई द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ, लेकिन इससे पहले रैंडी ऑर्टन ये बता पाते कि वो रिटर्न क्यों आए और वो क्या करने वाले हैं। मैट रिडल वहां पर आ गए। मैट रिडल ने कहा कि उन्होंने रैंडी ऑर्टन को बहुत ज्यादा मिस किया है, और उसके बाद मैट रिडल ने कहा कि अब जब रैंडी ऑर्टन वापस आ चुके हैं तो वो फिर से अपनी टीम आरके ब्रो बनाएंगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने मैट रिडल के साथ टीम बनाने से मना कर दिया, और रैंडी ऑर्टन ने बोला कि तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा टीम बनाऊंगा। रैंडी ऑर्टन की बात सुनकर मैट रिडल उदास हो गए, लेकिन उसी वक्त वहां पर एजे स्टाइल आ गए मैट रिडल का मजाक बनाने के लिए। एजे स्टाइल ने मैट रिडल से कहा कि ये रैंडी ऑर्टन है, लेजेंड की है, ये हर किसी को यूज करके फेंक देता है, तो तुम्हें ये कैसे लगा कि ये तुम्हारा कभी दोस्त बन सकता है। एजे स्टाइल की बातें सुनकर रैंडी ऑर्टन को भी गुस्सा आ गया, और उसके बाद एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन के बीच में बहस शुरू हो गई, और उसके बाद एजे स्टाइल ने रैंडी ऑर्टन को मैच के लिए चैलेंज कर दिया, और रैंडी ऑर्टन ने भी एजे स्टाइल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया, और रैंडी ऑर्टन उमास को भी आरकेओ देने की कोशिश करने लगे, लेकिन उमास आरकेओ से बच गए, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग से नीचे उतर गए। लेकिन रैंडी ऑर्टन के जाने के बाद भी मैट रिडल रिंग में ही रहे, और मैट रिडल उमास को आरकेओ देने की कोशिश करने लगे, लेकिन उमास मैट रिडल के आरकेओ से भी बच गए, और मैट रिडल को उमास ने पावर स्लैम दे दिया। उसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन का मैच देखने के लिए मिला, जहां पर ड्रू मैकइंटायर ने बैरन कॉर्बिन को हरा दिया। इस मैच के बाद हमें बैक स्टेज दिखाया गया, जहां पर रैंडी ऑर्टन के पास गए मैट रिडल। मैट रिडल ने रैंडी ऑर्टन से कहा कि आज तुम्हारे और एजे के मैच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने मैट रिडल को ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद हमें जेफ हार्डी वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच देखने के लिए मिला, और इस मैच में कैरियन क्रॉस ने जेफ हार्डी को सबमिशन देके सबमिट करवा के ये मैच हरा दिया। कैरियन क्रॉस के बाद अगला मैच जो हुआ वो था एलेक्सा ब्लिस वर्सेस डू ड्रॉप के बीच में। इस मैच में लिली ने अपना जादू दिखाया, जब लिली ने डू ड्रॉप को आंख मार दी। लिली का ऐसे करने से डू ड्रॉप परेशान हो गया, और एलेक्सा ब्लिस ने इस मौके का फायदा उठा के इस मैच को जीत लिया। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि WWE चैंपियन बॉबी लेसली ने गोल्डबर्ग के लिए क्या मैसेज दिया है। पहले तो MVP ने गोल्डबर्ग के बेटे केज को बोला कि गोल्डबर्ग को प्लीज समरस्लैम में आने से रोको, क्योंकि अगर गोल्डबर्ग समरस्लैम में आएगा तो बॉबी लेसली उनकी बहुत बुरी हालत करेंगे। और उसके बाद बॉबी लेसली ने गोल्डबर्ग को कहा कि अगर तुम समरस्लैम में आते हो तो अपने बेटे को कहना कि टीवी ना देखे, क्योंकि अगर वो टीवी देख लेगा तो वो ये भी देख लेगा कि मैं तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारूंगा और तुम्हारा करियर कैसे खत्म करूंगा। ये तो बात हुई बॉबी लेसली और गोल्डबर्ग की। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या हुआ। इस मैच में उमास एजे स्टाइल की मदद करके एजे स्टाइल को जिताना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर मैट रिडल आ गए, और मैट रिडल ने उमास के ऊपर अटैक कर दिया। उमास के मैच से बाहर होने के बाद रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल को आरकेओ दिया, और इस मैच के विनर रैंडी ऑर्टन बन गए। इस मैच के बाद मैट रिडल रैंडी ऑर्टन से टीम बनाने के लिए बोलने लगे, और रैंडी ऑर्टन ने भी ये नाटक किया कि वो टीम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद आखिरी में रैंडी ऑर्टन ने मैट रिडल को आरकेओ दे दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में। थैंक यू एंड गुड बाय।